बड़े बड़े हेलीकॉप्टर आए जाए उससे क्या मतलब है? मतलब है सिवान की विकास, सिवान को आगे बढ़ाना है। वो बार बार ये सवाल करते हैं कि आप जिस पार्टी से थी क्या वहाँ वापसी होगी? मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ, यहाँ पे सभी समाज के लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। जहाँ से मैं चली थी वो रास्ता हमारे लिए छूट गया। हमारी सिवान की जनता, हमारा परिवार, हमारा भाई बंधु भतीजा, हमारा चाचा भैया, जिस ओर चलेंगे मेरी आपकी हेना साहब उस ओर चलेगी। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सवाल सबका था, अब जवाब भी आ गया है। जिस तरह सिवान लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही हेना साहब, इनको चुनाव लड़ने पर सबकी जेहन में एक ही असमंजस था। पत्रकार से लेकर राजनीतिक जानकार तक यही सोच रहे थे कि क्या हेना साहब चुनाव के बाद परिणाम को देखते हुए फिर से राजद की ओर रुख करेंगी। अब सिन्हा साहब ने राजद में वापसी को अटकलों के बीच की बातें सरेआम जनता के बीच रख दी हैं। उन्होंने राजद के रिश्तों से पर्दा भी उठाई है। हाल ही में जनता के बीच जनसंपर्क के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी हेना साहब ने बताई है और बयान दी है कि मीडिया के साथी बंधु भी ये जानने के लिए बेताब रहते हैं और सवाल करते हैं कि क्या आप जिस पार्टी में थी वहां दोबारा वापसी होगी। तो मैं साफ क्लियर कर देना चाहती हूं कि जहां से मैंने पहले चली थी अब वह रास्ता हमारे लिए छूट गया है। वहीं आगे कहती हैं हेना साहब कि सिवान की जनता वो हमारा भाई भतीजा चाचा भैया जिस ओर चलेंगे उस ओर आपकी हेना चलेंगी। आगे हवा हवाई नेताओं पर भी कटाक्ष करते हुए हेना साहब कहती हैं कि सिवान में बड़े बड़े हेलीकॉप्टर आ जाए उससे क्या मतलब है? मतलब है तो सिवान की विकास की, सिवान की विकास को आगे बढ़ाना है, ये आपकी सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। आपका जब साथ होगा तब आपका विकास होगा, यही सोचकर मैं जनता व अपनों के बीच जा रही हूँ। आगे कहती हैं हेना साहब कि जब मैं घर से सेवा के भाव से निकली हूँ तो लगातार आपके बीच आने से हमें कोई झिझक नहीं होती है और आप लोग को भी हमारे से कोई भी कार्य करवाने के लिए झिझक नहीं करनी चाहिए। कभी भी आप हमारे यहाँ आइए तो ये ना सोचिए कि किसी नेता के घर आया हूँ। आप लोग दिल पर हाथ रख के ये सोचिए कि हम अपने बहन के घर आए हैं, बेटी के घर आए हैं और बुआ के घर आए हैं। वहीं वहाँ पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने हेना साहब के भाषण सुन खूब तालियां बजाने लगे। लेकिन अब ये साफ हो गया है इस बयान के बाद हेना साहब का कि राजद से मोह भंग हो गया है।